Now next example based on two dimensional array and array properties, array and pointer properties. के इसमें स्टूडेंट array declaration part के से array का order क्या है, number of columns part के हैं जैसे 3, इनसे C language के अंदर array के केस में column का size pass करना compulsory है in case of partial initialization. लेकिन partial initialization के केस में row size कैसा option? तो इसके साथ number of row count होंगे based on initializer list. तो initializer list के केस में according total 3 rows initialize के, इसलिए number of row कितने 3 और number of columns भी कितने also 3, इसे it is a 3x3 array. Next one इसके अलावा just pointer declaration provide किया है. Second case को अगर आप concentrate करो, इसके इसमें pointer declaration, लेकिन इसके साथ number of pointers कितने declare हो 3 pointers, लेकिन 3 pointers separately 1x1 create ने करके create के in the form of as a array. तो इसके इसमें P क्या है, P is a array of integer pointers, means P के अंदर total integer types के 3 pointer values create हो, इसलिए इस array का size क्या हुआ 6 bytes. फर्स्ट एरे के केस में डायग्राम ऑलरेडी प्रोवाइड किया, फर्स्ट एरे के अकॉर्डिंग 3x3 का एरे क्रिएट हुआ, एलिमेंट्स क्या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सेम है एड्रेस, फर्स्ट लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या 100, नेक्स्ट का 102 104 106 एंड सो ऑन. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ, अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस n है देन उस लोकेशन को एक्सेस करने का लॉजिकल वे क्या होता है स्टार n. सिमिलरली इस लोकेशन का एड्रेस अगर 100 है अज्यूम किया तो उस एलिमेंट को एक्सेस करने का आपका सदर वे क्या है स्टार 100. मैं यहां a0 a1 के फॉर्म में एलिमेंट एक्सेस ना करके जस्ट पॉइंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके सारे के सारे एक्सप्रेशन ड्रा करना बताऊंगा, इसलिए मैंने लोकेशंस के लिए कोई भी नेम प्रोवाइड नहीं किया, जस्ट एक्सेस करेंगे बेस्ड ऑन एड्रेस प्रॉपर्टीज, जिससे आपके लिए पॉइंटर और अच्छे से क्लियर करना पॉसिबल होगा. इस फिलहाल यार अगर इसके अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस है ना देन उसी एलिमेंट को एक्सेस करने का आपका अल्टरनेटिव वे क्या है यूजिंग स्टार n. वन मोर थिंग्स इन दैट केस, इस पूर्व सॉरी फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या है 100, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट का अदर नेम क्या है स्टार 100. सिमिलरली अगर इस फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो कंप्लीट रो का भी बेस एड्रेस क्या है आल्सो 100, इस रो का बेस एड्रेस क्या है 100. अगर रो का बेस एड्रेस 100 है तो इस रो का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या हो सकता है स्टार 100, मींस स्टार 100 फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम हो सकता है और स्टार 100 फर्स्ट रो का भी नेम हो सकता है. सिमिलरली इन सेकंड केस में इस रो के केस में बात करें, अगेन इस केस में टाइपिंग मिस्टेक किया जस्ट मैंने, इन दैट केस एड्रेस क्या है 106, इसका नेम क्या है स्टार 106 स्टार 108 स्टार 110 स्टार 112 स्टार 114 स्टार 116 एंड सो ऑन. क्लियर, इस केस में इस रो के केस में बात करें, इस पर्टिकुलर रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 106 और इस कंप्लीट रो का भी बेस एड्रेस क्या है वो आल्सो 106 सेम एज 112. इस रो का बेस एड्रेस 106, इसलिए रो का एक और नेम क्या हो सकता है स्टार 106. स्टार 106 क्या है इस पूरे कंप्लीट सेकंड रो का नेम, सेम एज थर्ड रो का अदर अल्टरनेटिव नेम क्या हुआ स्टार 112. स्टार 112 इस एलिमेंट का भी नेम है प्लस इस रो का भी नेम है प्लस इस होल एरे का एड्रेस क्या है व्हाट एवर एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेम एज एड्रेस ऑफ कंप्लीट एरे. इस एरे का भी बेस एड्रेस 100, इसलिए इस एरे का भी एक और अल्टरनेटिव नेम क्या हो सकता है स्टार 100. तो फाइनली स्टार 100 लॉजिकली कितने प्लेसेस रेफर करा 3, नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ द रो एंड नेम ऑफ द एरे. क्लियर, नेक्स्ट वन फाइनली सेकंड डिक्लेरेशन को कंसंट्रेट करो. सेकंड डिक्लेरेशन में मैंने जस्ट प्रोवाइड क्या किया एरे डिक्लेरेशंस. इस एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे 3 एलिमेंट प्लस इस एरे के एलिमेंट का टाइप क्या हुआ इंट स्टार. इस इंट स्टार के केस में इनडायरेक्टली टोटल आपने इस केस में 3 पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट किए. इस केस में एलोकेशन किसके लिए हो रहा है जस्ट एरे, लेकिन एरे के अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स. तो टोटल से एरे के थ्रू कितने पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड हुए 3 पॉइंटर डिक्लेरेशन, लेकिन p इटसेल्फ क्या है पॉइंटर नेम और एरे नेम, p इज अ नेम ऑफ द एरे. सपोज दैट इस एरे का अगर बेस एड्रेस 200 है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 202, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में पॉइंटर्स के फॉर्म में. According to 16-bit C compiler, what is the size of pointer? It will take 2 bytes. Because by default pointer ka type kya rata near pointer, near pointer ka size kya hota always 2 bytes. This case mein 2 bytes ka isme difference ho gaya hai. Next, initially in pointers mein koi bhi value assign nahi hua hai. First element ka index kya hoga 0. Plus is array ka name P hai, to first element ko name provide kar sakte hain P of 0, P of 1 and P of 2. क्लियर, इस लोकेशन का एड्रेस 200 है तो फर्स्ट एलिमेंट का अदर नेम क्या हो सकता है मे बी
star 200, star 202, star 204, clear. Plus इस complete array का भी name क्या हो सकता है, maybe star 200, like that. Then 1x1 initialization perform किया, तो first time P0 में क्या assign किया, means इस second declaration के according, means array pointers का एक array create किया, array के अंदर number of pointers कितने create हुए, 3 pointers, first pointer में इन expressions के through, first pointer क्या P0, P0 में क्या assign किया, A means इस array के, sorry, A से just represent क्या हुआ, array name से represent क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. अगर आप 1D एरे नेम यूज करें तो 1D एरे के नेम से क्या रिप्रेजेंट होगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. अगर आप 2D एरे नेम यूज करें तो 2D एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट होगा, फर्स्ट रो का एड्रेस. तो यहां A के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस किया जाए फर्स्ट रो का एड्रेस. और फर्स्ट रो का एड्रेस क्या है, 100. फर्स्ट रो के केस में एड्रेस क्या है प्लेस पर, जस्ट 100. 100 के रिस्पेक्ट में जस्ट 100 असाइन किस में हो जाएगा, इनसाइड पी ऑफ 0, क्लियर. इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, पी ऑफ 0. वन मोर थिंग से हो सकता है इस केस में, कुछ कंपाइलर्स रेज क्या करें, मे बी सम वार्निंग. तो वार्निंग को रिड्यूस करने के लिए आप इसको जस्ट राइट डाउन कर सकते हो लाइक दैट, टाइप कास्टिंग इनटू इंट स्टार देन ए. देन टाइप कास्टिंग सभी केस में प्रोवाइड करोगे. इस केस में राइट डाउन क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग इंटू इंट स्टार, टाइप कास्टिंग इंटू इंट स्टार. देन असाइनमेंट कैसा है, वैलिड. हो सकता है कुछ कंपाइलर्स में वार्निंग आता है, कुछ कंपाइलर्स केस में एरर्स. नेक्स्ट, फाइनली इस केस में ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, 100. और ये 100 केस में आसान हो जाएगा पी ऑफ 0 में. जैसे P0 में 100 कॉपी होगा, 100 क्या इस केस में एड्रेस. P0 के केस में P0 का खुद का एड्रेस क्या है 200, लेकिन P0 का वैल्यू क्या है 100. और P0 इटसेल्फ क्या पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक और लोकेशन क्या होना चाहिए, स्टार पी ऑफ 0. स्टार पी ऑफ 0 उस लोकेशन का नाम होगा जिसका एड्रेस 100 है. वो 100 लोकेशन का एड्रेस जस्ट किसके पास है, P0 पास. तो इस लोकेशन का अदर नेम क्या हो सकता है, स्टार पी ऑफ 0, क्लियर. मैंने यहाँ एरे नेम ए के थ्रू मैंने कोई भी लोकेशन नेम प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि फाइनली इस एरे को प्रोसेस किसके थ्रू करें, यूजिंग पॉइंटर. इसलिए मैं हाईलाइट क्या करूँ, ओनली पॉइंटर नेम्स. नेक्स्ट में सिमिलरली पी ऑफ वन में कैसा हुआ, ए प्लस वन. सेकेंड केस में कैसा हुआ, ए प्लस वन. यहाँ फिर से याद रखना है रिक्वायर्ड क्या हुआ, टाइप कास्टिंग ए प्लस वन. तो ए के प्लेस पर क्या आएगा, एरे नेम. अगेन चेक करो, एरे नेम 1-डाइमेंशनल एरे का नेम है, 2D एरे नेम, 2D एरे नेम. और 2D एरे नेम में जब भी 1 से इंक्रीमेंट कराते तो इंक्रीमेंट कितने से होता, साइज ऑफ रो. क्योंकि इस 2D एरे नेम के रिस्पेक्ट में एवरी रो कंसीडर क्या होंगे, एज एलिमेंट टू द 2D एरे. तो इस एरे के लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो. सेकंड एलिमेंट कौन है, सेकंड रो. थर्ड एलिमेंट कौन है, थर्ड रो. तो किसी भी रो साइज को चेक करो तो रो का साइज क्या है, 6. इसलिए एरे नेम में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, 6 से. इसे ए के केस में क्या आएगा, बेस एड्रेस 100 प्लस 6 बिकम्स 106. तो जैसे पी ऑफ 1 में क्या आसान हुआ, 106. तो इस केस में जैसे ही 106 आसान हुआ, अगेन पी ऑफ 1 उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिस लोकेशन का एड्रेस 106 है. 106 मीन्स दैट एलिमेंट. तो इस एलिमेंट का अदर नेम क्या जाएगा, स्टार पी ऑफ 1. रीजन क्या, क्योंकि पी ऑफ 1 क्या है, पॉइंटर, क्लियर. सिमिलरली P2 में 2 से इंक्रीमेंट करा तो इंक्रीमेंट कितने से होगा, मीन्स ए का ही प्लेस पर क्या आएगा, 100. और 100 किस टाइप का एड्रेस है, जस्ट फुल एरे का नेम है. एरे नेम से रिप्लेस क्या हो, एरे के फर्स्ट रो का एड्रेस. फर्स्ट रो का साइज क्या है, 6 वाइड. इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 × 6, मीन्स 6 × 2 = 12. 100 + 12 = 112. 112 किस में आसान हो जाएगा, पी ऑफ 2 में. पी ऑफ 2 में एड्रेस क्या आसान हो रहा है, 112. तो पी ऑफ 2 उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका नेम, इसका एड्रेस 112 है. इस प्लेस इसके अकॉर्डिंग इसका एक और नेम क्या जाए, स्टार पी ऑफ 2, क्लियर. मीन्स P0, P1, P2 क्या है, पॉइंटर्स. तो इसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग नेम क्या है, स्टार P0, स्टार P1, स्टार P2, क्लियर. नेक्स्ट वन, और इसके जस्ट बाद प्रोसेस क्या करना है, दैट एक्सप्रेशन. आपके लिए इंपॉर्टेंट किसका है, गिवन एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जस्ट राइट डाउन क्या हुआ, प्लस प्लस P0. तो P0 इस केस में क्या है, पॉइंटर नेम. यहाँ इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, पॉइंटर में. पॉइंटर में इंक्रीमेंट करा हुआ, तो पॉइंटर के केस में करेंटली चेक करो इसका जस्ट मीनिंग क्या हुआ, लाइक दैट पी ऑफ 0 इक्वल्स टू पी ऑफ 0 प्लस 1. तो P0 के केस में करेंटली क्या स्टोर है, 100. और 100 क्या वैल्यू और एड्रेस, एड्रेस. प्लस एड्रेस किस टाइप के पॉइंटर में स्टोर है, इंटीजर पॉइंटर. क्योंकि सारे के सारे पॉइंटर किस टाइप के, इंटीजर. इंटीजर पॉइंटर का साइज क्या था, 2 वाइट. इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा, जस्ट 2. क्या आएगा इसके, 102. और ये 102 आसान किस में जाएगा, पी ऑफ 0.
पी ऑफ जीरो में ओल्ड एड्रेस क्या था 100, न्यू एड्रेस क्या 1 of 2, तो इसके अकॉर्डिंग अब स्टार पी जीरो उस लोकेशन का नाम हुआ जिसका एड्रेस 102 है, मीन्स इसके समय स्टार सॉरी लोकेशन क्या हुआ स्टार पी जीरो, स्टार पी जीरो किसका नेम है जस्ट नेम ऑफ लोकेशन 102, इसका नेम क्या है स्टार पी ऑफ जीरो, क्लियर। इसे लोकेशन कैसा चेंजेबल, मीन्स जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट रेफर होगा नेक्स्ट टाइम, सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या राइट डन किया माइनस माइनस स्टार पी जीरो, नेक्स्ट वन माइनस माइनस स्टार पी ऑफ जीरो, अगेन पी जीरो मीन्स सबसे पहले इस केस में दोनों ऑपरेटर कैसे यूनरी, पी ऑफ जीरो आपको क्लियरली शो हो रहा है पी ऑफ जीरो क्या इस केस में दैट लोकेशन, इसके पी ऑफ जीरो में करेंटली क्या स्टोर है 102, तो इस प्लेस पर आप रिप्लेस कर सकते हो पी ऑफ जीरो के प्लेस पर पी जीरो का वैल्यू क्या रिप्लेस करा दो 102, तो इस केस में आपको ऑलरेडी शो रहा है स्टार 102 ऑलरेडी आपके पास लोकेशन है, तो इसका जस्ट मीनिंग क्या है दिस इज इक्वेलेंट टू स्टार 102 इक्वल्स टू स्टार 102 माइनस 1, क्लियर स्टार 102 माइनस 1, स्टार 102 के प्लेस पर रिप्लेस किया जाए स्टार 102 का वैल्यू, वैल्यू क्या इस प्लेस पर 2 माइनस 1 इज इस केस में 2 क्या वैल्यू नॉट अ एड्रेस, तो यहाँ वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट कितने से होगा 1 से, तो 1 किस में आसान हो जाएगा अगेन स्टार 102, तो 102 का एग्जिस्टिंग वैल्यू 2 था, न्यू वैल्यू क्या जाएगा डिक्रीमेंट के बाद जस्ट 1, क्लियर। नेक्स्ट वन थर्ड एक्सप्रेशन प्लस प्लस पी वन, प्लस प्लस पी वन मीन्स यहाँ इंक्रीमेंट किस में हो रहा है पी ऑफ वन मीन्स दैट प्लेस और पॉइंटर, मीन्स इंक्रीमेंट किस में हो रहा है पॉइंटर में, पी ऑफ वन में करेंटली क्या स्टोर है 106, जैसे इसमें इंक्रीमेंट हुआ जब मीन्स पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट कितने से होता है डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पॉइंटर, पी ऑफ वन इंटीजर पॉइंटर इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 2 से, तो न्यू एड्रेस क्या है 108, तो इमीडिएटली स्टार पी ऑफ वन ऑफ किस लोकेशन का नेम हुआ जिस लोकेशन का एड्रेस 108 है, 108 लोकेशन का एक और नेम क्या क्रिएट हो जाएगा स्टार पी ऑफ वन, क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स जस्ट इस केस में इंक्रीमेंट किस में हो रहा है इंक्रीमेंट ऑफ स्टार पी ऑफ वन, जिस लोकेशन का नेम स्टार पी ऑफ वन है दैट प्लेस इसका एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 5, जस्ट इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट के बाद सॉरी प्रीवियस केस इंक्रीमेंट किसके लिए अप्लाई हो रहा है स्टार पी ऑफ वन के लिए, स्टार पी ऑफ वन आपके पास जेन्युइन लोकेशन नेम है स्टार पी ऑफ वन का करंट वैल्यू क्या है 5, जब इंक्रीमेंट कराओगे तो इंक्रीमेंट के बाद इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 6, क्लियर। नेक्स्ट वन नेक्स्ट केस में क्या जस्ट प्लस प्लस पी टू, पी टू के केस में करंटली क्या 112, जब इंक्रीमेंट कराओगे तो पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 2 से, तो इस केस में न्यू एड्रेस क्या 114, तो नेक्स्ट टाइम स्टार पी ऑफ 2 किस लोकेशन का नेम होगा दैट प्लेस स्टार पी ऑफ 2 मीन्स नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट टाइम अगेन इस केस में परफॉर्म क्या करा है स्टार पी ऑफ 2 में डायरेक्टली मैन्युअली क्या आसान करा है 30, स्टार पी ऑफ 2 का करंट वैल्यू क्या 8, नाउ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 30, क्लियर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट केस में जस्ट इस केस में प्रिंट ऐप के थ्रू एरे के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कराएं 1 by 1, देन चेक करने वाली था आउटपुट प्रिंटेड बाय दिस प्रिंट ऐप फंक्शंस, फर्स्ट केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा है वैल्यू ऑफ स्टार पी जीरो, तो पी जीरो के प्लेस पर जस्ट पी ऑफ जीरो का वैल्यू रिप्लेस करा, पी जीरो में क्या स्टोर है 102, उसका मीन क्या है स्टार 102 और स्टार क्या रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ लोकेशन 102, करेंटली 102 में वैल्यू क्या स्टोर है 1, इसलिए इस प्लेस पर क्या आएगा जस्ट 1। नेक्स्ट केस स्टार पी ऑफ वन, स्टार पी ऑफ वन ऑलरेडी मैंने नेम भी प्रोवाइड किया, स्टार पी ऑफ वन का करंट वैल्यू क्या 6, रिप्लेस क्या करा सकते हो डायरेक्टली 6। नेक्स्ट वन स्टार पी ऑफ टू, स्टार पी ऑफ टू जिस लोकेशन का नाम है उसका वैल्यू क्या है 30, तो रिप्लेस क्या हो जाएगा डायरेक्टली 30, फर्स्ट प्रिंट टैप के थ्रू क्या डिस्प्ले हुआ 1630, देन स्लैश एन के थ्रू लाइन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट प्रिंट टैप, नेक्स्ट केस में क्या है स्टार पी, जस्ट इसको प्रोसेस भी कर सकते हो, पी इस केस में क्या है एरे नेम, तो पी के प्लेस पर एरे नेम के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन है पी ऑफ जीरो, इसका एड्रेस क्या है 200, तो पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराओ 200, देन दोनों ऑपरेटर कैसे हैं यूनरी प्रायोरिटी सेम है, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो राइट टू लेफ्ट स्टार 200 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे स्टार 200 का वैल्यू, स्टार 200 का वैल्यू क्या है 102, तो इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा 102।
नेक्स्ट टाइम स्टार 102 के लिए अप्लाई हुआ, स्टार ऑलवेज अप्लाई किसके लिए होता है, एड्रेस के लिए, रिटर्न क्या करता है वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। तो इस केस में स्टार रिटर्न क्या करे वैल्यू ऑफ लोकेशन 102 हो, 102 में वैल्यू क्या है अगेन 1, तो इस प्लेस पर भी क्या आएगा ऑल्सो 1। मीन्स इस केस में दोनों स्टेटमेंट की मीनिंग क्या सेम, एग्जैक्टली सेम, चेक कर सकते हो। मीन्स स्टार स्टार पी इज इक्वेलेंट टू स्टार पी ऑफ जीरो, इसको प्रूव कर दें। जस्ट एक एक्सप्रेशन क्या है ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई का कन्वेंट क्या होता है स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर क्या है पी और आई के प्लेस पर क्या है जीरो, पी में जीरो ऐड कराओ तो क्या मिलेगा आपको जस्ट पी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार स्टार पी, दैट्स वाई दीज आर इक्वेलेंट। स्टार पी ऑफ जीरो में क्या आया था 1, तो इसलिए स्टार स्टार पी में भी क्या मिला ऑल्सो 1, क्लियर। नेक्स्ट केस, सेकेंड केस में क्या है स्टार स्टार पी प्लस 1, तो आपको पता होना चाहिए ये एक्सप्रेशन क्या है स्टार ए प्लस आई, और इसका इक्विवेलेंट केस क्या हुआ ए ऑफ आई, तो ए के प्लेस पर क्या है पी और आई के प्लेस पर क्या है 1, तो इट विल बिकम्स इट इज सिमिलर टू स्टार पी ऑफ 1, और पी ऑफ 1 के केस में प्रीवियस केस में 6 आया, तो इस केस में क्या मिलेगा ऑल्सो 6, 1 एंड 6। सेम एज इन दैट केस पी ऑफ 2 को आप कैसे राइट कर सकते हो, लाइक दैट पी ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू एरे कन्वर्जन, स्टार पी ऑफ 2 मीन सेम, प्रीवियस केस में वैल्यू क्या था 30, तो इस केस में क्या ऑल्सो 30, तो अगेन क्या प्रिंट हुआ 1630, इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल, क्लियर।